देखिए, हिंदू धर्म जो है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म है और उसका संबंध आपके जीवन से, विज्ञान से, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में एक देवी का उल्लेख आता है, नाम आता है, उनका नाम है माता शीतला। कौन है माता शीतला? इनका उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है और माता शीतला को धर्म में अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है। इनका जो स्वरूप है वो अत्यंत शीतल है और रोगों को हरने वाला, रोगों को समाप्त करने वाला है। इनका वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से माता शीतला की उपासना ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में की जाती है और माता शीतला की उपासना का जो मुख्य पर्व है उसका नाम है शीतला अष्टमी। इस बार शीतला अष्टमी का जो अवसर है वो 2 अप्रैल को है, तो 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी का पर्व हर जगह बड़ी सावधानी, नियमों के साथ मनाया जाएगा। देखिए, हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता का आप स्वरूप देखते हैं वो प्रतीकात्मक है, वो सिंबॉलिक है, वो कुछ ना कुछ सूचनाएं देता है, कुछ ना कुछ बात कहता है। नारायण अगर चतुर्भुज हैं तो उसके पीछे भी कोई राज है। शिव अगर त्रिनेत्रधारी हैं तो वो स्वरूप भी कुछ बताता है। इसी तरह से माता शीतला का जो स्वरूप है ये भी कुछ प्रदर्शित करता है। कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते इनके हाथ में रहते हैं और ये सारी चीजें साफ सफाई और समृद्धि की सूचक हैं। इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है जिसको बसौड़ा भी कहते हैं। इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जिस पर उनका चित्र बना होता है वो भी अर्पित करते हैं। माता शीतला की उपासना वसंत या ग्रीष्म में होती है जब रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए माता शीतला के स्वरूप को समझ करके अगर हम साफ सफाई रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों से और बीमारियों के संक्रमण से बच जाएंगे। इसीलिए माता शीतला के रूप को, स्वरूप को समझ करके तब उनकी पूजा करना आपके लिए बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।